मानु शर्मा वैज्ञानिक डी मौसम विज्ञान केंद्र भोपाल निवारी में 45.1 और हीट वेव को दर्ज किया गया, छतरपुर में 45.0 और हीट वेव को दर्ज किया गया, किसी भी जिले में सीवर हीट वेव को दर्ज नहीं किया गया। इसके अलावा जो अधिकतम तापमान रहे शिवपुरी और टीकमगढ़ में 44.0 और ग्वालियर में 43.5 डिग्री सेल्सियस को टेम्परेचर को रिकॉर्ड किया गया। वार्म नाइट की बात करेंगे तो उमरिया में +4.57 डिग्री सेल्सियस के साथ वार्म नाइट को दर्ज पिछले 24 घंटों में किया गया है। रेनफॉल की बात करेंगे तो वेस्ट मध्य प्रदेश में सबसे अधिक बीटू में 0.1 mm रेनफॉल रिकॉर्ड हुआ। इसी तरह ईस्ट मध्य प्रदेश में सबसे अधिक सिंगरौली में 19.0 mm रेनफॉल दर्ज किया गया है। दक्षिण पश्चिम मानसून की बात करेंगे तो पिछले 24 घंटों के अंदर दक्षिण पश्चिम मानसून जो है वो कर्नाटका, रायलसीमा, कोस्टल आंध्र प्रदेश, सम पार्ट्स ऑफ तेलंगाना और वेस्ट सेंट्रल और नॉर्थ वेस्ट बे ऑफ बंगाल में आगे की ओर बढ़ा है और इसके और आगे बढ़ने की संभावना अभी नेक्स्ट 4-5 डेज में जताई जा रही है। प्रेजेंट सिनॉप्टिक सिचुएशन के बारे में बात करेंगे तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो थोड़ा ईस्टवर्ड मूव हो गया है और आज उसकी पोजीशन 80 डिग्री ईस्ट एंड नॉर्थ ऑफ 28 डिग्री नॉर्थ के ऊपर ये स्थित है। इसी तरह सेंट्रल पाकिस्तान के ऊपर जो है वो 1.5 किलोमीटर के ऊपर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है और मध्य प्रदेश के और नेबरहुड के मध्य प्रदेश और नेबरहुड में 0.9 किलोमीटर पर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है और इसी तरह से एक और साइक्लोनिक सर्कुलेशन वेस्ट जो हमारा गुजरात के सेंट्रल रीजन है उसके ऊपर 3.1 किलोमीटर अबव मीन D7 के ऊपर बना हुआ है। इसके कारण आप देख सके हैं कि आज ईस्ट एमपी के अधिकांश भागों में और नॉर्थ एमपी के अंदर जो है वो इस तरह बादल छाए हुए हैं। इन सब के देख रहे होंगे कि यहाँ पे रेनफॉल और आइसोलेटेड अभी काफ़ी स्टेजों में हैं लेकिन जो भोपाल, सीधौर, रायसेन और बैतूल में रेनफॉल एट फ्यू प्लेसेस है अर्थात उससे ज़्यादा क्षेत्रों में यहाँ वर्षा होने की कल संभावना है। इसके अलावा जो हीट वेव का जो प्रकोप है वो कल से देखने को नहीं मिलेगा। जो ऑरेंज कलर में आप देख रहे हैं जो हमने दिए हैं राज्य यहाँ पे अनुवा, छिंदवाड़ा और सिमनी में थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग और गस्टी विंड विद 50-60 किलोमीटर पर होने की कल यहाँ संभावना है। इसके अलावा जो ऊपर के जो जिले हैं नॉर्थ के जो जिले हैं शिवपुर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, दमोहा, जबलपुर, नरसिंहपुर यहाँ के थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग विद 30-40 किलोमीटर होने की कल संभावना है। लेकिन जो नीचे के जो जिले हैं खारगोन, खानवा, हरदा, भाडवानी, बैतूल यहाँ थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग और गस्ती विंड विद 40-50 किलोमीटर होने की कल संभावना अभी भी बनी हुई है। डे थ्री की बात करेंगे अर्थात 5 तारीख की बात करेंगे तो वर्षा का जो कम जो चक्र चल रहा है वो चलता ही रहेगा और इसके अंदर आप देखेंगे कि मुरैना और भिंड के अंदर हमारे 30-40 किलोमीटर थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग और गस्ती विंड, साथ ही छतरपुर, पन्ना, दमोहा, सागर, कटनी, उमरिया में भी थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग और गस्ती विंड 30-40 किलोमीटर होने की संभावना परसों बनी हुई है। इसके अलावा जो नीचे के जो राज्य हैं आप देख रहे हैं जैसे कि छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, मंडला, डिंडोरी यहाँ थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग गस्ती विंड विद 40-50 किलोमीटर होने की आशंका परसों बनी रहेगी।